मैं नीरज सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग मैथ में टॉप 5 क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी के हिसाब से आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यह क्यू रूट है, क्यू रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और क्यू रूट 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी इस तीनों में ऐसे आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आप मालूम है कि जो संख्या में बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो संख्या में छोटा होता है वो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर सब एक ये क्या है, क्यू रूट है यानी घन रूट कहेंगे। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो आपको मालूम है कि यह कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यू होता है, यहाँ पर क्या है, क्यू रूट। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो यानी रूट के अंदर जो डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा है 3, 2 और 3, इस तो तीनों का क्या ले लेंगे आप, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम यानी लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। तो जब तक ये यह जो डिजिट दिख रहा है इसका कुछ अगर सेम नहीं होगा, कुछ समानता नहीं होगी, तब तक आप कौन सा छोटा होगा या कौन सा बड़ा होगा आप नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए पहले आपको इसमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, सेम करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है या सबसे छोटी संख्या कौन है। इसलिए मैंने क्या किया कि यहां पर जो भी आपके रूट के अंदर जो डिजिट लिखा हुआ है उसका मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। अब इसका जो रूट है एलसीएम आ गया, इसमें जो रूट में जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग 6 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए आप बताइए इसमें से कितना से गुना होगा, 2 से गुना। अगर 2 से गुना हुआ है यहाँ भी पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी अगर 2 से गुना किया है तो उसके पावर में भी उतना ही लिखना है। फिर यहाँ पर भी आइए, इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, अभी तो 6 बनेगा, तो अगर 3 से गुना किया है तो पावर में भी इसके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां अगर यहां पर 3 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि 6 बनाना है आपको, तो इसके पावर में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यह क्या हो गया, यह हो गया 6 या 2 का स्क्वायर कितना, 4। यहां क्या हो गया, 6 या क्या हो गया, 27। ये क्या हो गया, ये 6, ये क्या हो गया, 16, ठीक है। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो जब सब कुछ सेम है तो दिख रहा है कौन सा संख्या बड़ी है, तो ये वाला संख्या बड़ी है, और यह किसका है, तो यह किसका है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या यह हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन है, तो बताइए अब डिजिट में जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी, तो बताइए कौन सा सबसे छोटी है, तो आपका आंसर हो जाएगा यह, यानी यह होगा आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे छोटी है 4, क्योंकि इसका भी रूट 6 है, यहाँ पर रूट में यहाँ भी 6 है, यहाँ भी क्या है, 6 है। तो उसके बाद सब कुछ जब एक डाटा सेम हो गया, इसका मतलब है कि आप अगर इसको लिखना चाहे, इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 4 का पावर क्या, 1/6। इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 27 का पावर क्या, 1/6। इसको लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 16 का पावर क्या, 1/6। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये वाला है, और यह किसका संख्या है, इसका संख्या है, यानी आंसर आपको ये वाला देना होगा। ये तो मैंने हल करके यहां तक लाया है, तो यह आंसर नहीं होगा आपका, कौन सा होगा, यह किसका हल है, तो इसका हल, यानी इसका सबसे छोटी संख्या की जब बात करेंगे तो हो जाएगा यह, आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन, उसी प्रकार से आप इसी क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है आपसे, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, 4, 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 12 यानी 12 बनाना है आपको। जब 12 बनाइएगा तो यहाँ 3 से गुना कीजिएगा, तो आप अगर जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं 3 से गुना कीजिएगा, तो इसको 3 से गुना करें तो 7 का पावर क्या हो गया, 3। बस इतना ही लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ इसमें कितना से गुना करें, 4 से, तो ये 5 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यह कितना गुना करें, 3 से, 10 का पावर 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 7 का पावर 3 का मान क्या है, 343, 5 का पावर 4 का मान कितना है, 625, और 10 का पावर 3 का मान कितना है, 1000।
बताइए सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, 1000, और 1000 किसका है, 10^3 का, 10^3 किसका है, इसका है। यानी आंसर आपका जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4, यानी यह है इसका आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लीजिए और बस, जितना एलसीएम यानी एलसीएम बनाने के लिए जितना से गुणा करना पड़ेगा उतना पावर में लिख दीजिए, बस डायरेक्ट पावर में लिखे, पावर का मान निकालिए, जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी होगी सबसे छोटी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि 5 का पावर 50, 6 का पावर 40, 7 का पावर 30, 8 का पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर बड़ी पूछा है तो छोटी भी पूछ सकता है, तो इस प्रकार यह क्वेश्चन इससे डिफरेंट है, इसमें पावर में दिया हुआ है और इसमें क्या था रूट में दिया हुआ था, तो यह पावर में जब दिया रहेगा क्वेश्चन तो इस पावर का क्या लेंगे हम लोग, पावर का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ पावर का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक उसको कहते हैं जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट नंबर कॉमन हो। बताइए 50, 40, 30 और 20 में सबसे हाईएस्ट नंबर कॉमन कौन होगा, तो 10 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 जब कॉमन होगा तो 10 को कहां रखेंगे आप, बाहर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 से भाग दीजिए कितना बचेगा अंदर में, 10 से भाग देना है इसको, इसके इसका कितना आ गया 10 आ गया, इसी 10 से भाग दीजिए 10 बचे 50, पावर के पास 10 × 40 यानी 6 का पावर 4 बच गया, 10 से भाग दीजिए 7 का पावर क्या बच गया 3 बच गया, और ये 10 से भाग दीजिए तो 8 का पावर क्या बच गया, ठीक है। तो 5 का पावर 5 का मतलब है कितना 625, 6 का पावर 4 तो 6 का पावर 3 का मतलब होता है 216, और 216 को अगर 6 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 6×36, 6×3 9 और 6×2 12 यानी हो जाएगा 1296, ठीक है। 7 का पावर 3 का मतलब है 343 और 8 का पावर 2 का मतलब है 64। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है आपका 1296, और 1296 किसका है 6 का पावर 4 का, और 6 का पावर 4 किसका है 6 का पावर 40 का, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें 6 का पावर 40, यह आपका आंसर होगा। तो आपने देखा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी पावर वाले क्वेश्चन को जो अगर सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी छोटी संख्या पूछे तो पावर का क्या लेंगे हम लोग, एचसीएफ लेंगे, और इसी एचसीएफ से इस पावर को भाग देंगे छोटा करेंगे 10×5 50। आप चाहे तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पावर सबके बाहर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, सबके बाहर पावर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, सबके पावर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ भी पावर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो बताइए सबका पावर अगर सेम हो तो जो हाईएस्ट नंबर है उसका पावर ना सबसे ज्यादा आंसर होगा, सबसे बड़ी संख्या वही ना होगी, इसलिए पावर में अगर 10 आप नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर को बस भाग लीजिए और जो बचता है बस उतना ही से काम बनाइए इसका, तो सब आपका आंसर क्या हो गया 6 का पावर 40। तो देखते हैं फिर हम लोग आज का अगला प्रश्न, प्रश्न में क्या है कि देखिए √7 + √6 √11 + √2 √5 + √8 √10 + √3 में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, और इस पर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। इसलिए इस टाइप को जरूर आप अच्छे से देखेंगे ताकि आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन आपसे छूटे रहे, और वह भी बनाना है कम समय में, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, समझाने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा लेकिन जब बनाएंगे इसको तो बहुत आसान होगा यह। तो देखिए इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा, देखिए जो भी ये यहाँ प्लस में है यहाँ पर क्या है माइनस में है, और यहाँ सबसे बड़ी पूछा है यहाँ सबसे छोटी पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा यह समझिए अगर प्लस है तो यह बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से, किसके हिसाब से a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यह क्वेश्चन बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से, यानी मैंने समझाने के क्रम में आपको मैं इस प्रकार का बता रहा हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो देखिए आप इसको जब भी बनाइएगा तो अभी बनाने के क्रम में मैं सिर्फ समझा रहा हूं, बस स्क्वायर बना लीजिएगा, स्क्वायर बनाने का मतलब है कि ए हो गया ये बी हो गया, चलिए हम इसको स्क्वायर कर दिए स्क्वायर कर दिए स्क्वायर कर दिए स्क्वायर, यानी स्क्वायर के हिसाब से ही समझिए इसको क्वेश्चन को।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा। तो क्या आपको मालूम है कि रूट सेवन का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सेवन होगा, रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो फाइव ही होगा, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री ही होगा, तो यह सेवन हो गया। फिर बी स्क्वायर का मतलब क्या सिक्स हो जाएगा, प्लस टू ए बी, तो प्लस टू इंटू ए बी, ए बी का मतलब रूट सिक्स, सेवन इंटू रूट सिक्स, यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तेरह प्लस टू रूट बयालीस लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सात और छह तेरह, तेरह है, उसी प्रकार से ग्यारह दो तेरह, यानी ग्यारह प्लस दो प्लस टू इंटू रूट इलेवन इंटू रूट टू बराबर क्या हो जाएगा ये तेरह प्लस टू रूट बाईस। उसी प्रकार से इसको भी आप लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट लिख दिए आठ पांच तेरह, यानी योग देखिए सबका योग क्या है सेम है, सेम है योग, तो तेरह और यहाँ पर प्लस टू रूट क्या हो जाएगा तो आठ पंचे क्या हो जाएगा चालीस, जैसे यहाँ ग्यारह दुना बाईस हुआ है, सात छह बयालीस हुआ है। उसी प्रकार से इसको भी जब सोल्व कीजिएगा इसको तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दस और तीन कितना तेरह और प्लस टू रूट दस दिया कितना तीस। अब बताइए आगे का अंक तो सबका सेम है, तो आपको तो मालूम है कि रूट बयालीस का मान ज्यादा होगा कि रूट बाईस का, रूट बयालीस का मान ज्यादा होगा, रूट बयालीस का मान ज्यादा होगा कि रूट चालीस का, रूट बयालीस का मान ज्यादा होगा, रूट चालीस का मान ज्यादा होगा कि तीस का, तो चालीस का, तो बयालीस यह भी सेम है टू भी सेम है, तो रूट बयालीस रूट बाईस रूट चालीस और रूट तीस में सबसे बड़ी संख्या किसमें आएगी तो रूट बयालीस का आएगा, और इसको जब ऐड करेंगे तो बड़ी संख्या को ही ऐड करेंगे तो बड़ी तो यही होगी ना, क्योंकि रूट में जो बड़ा है और उसको अगर जोड़ना है किसी संख्या में तो वह संख्या क्या होगी सबसे बड़ी होगी। तो बताइए रूट बयालीस इस रूट में सबसे बड़ा कौन है, रूट बयालीस, क्योंकि यह भी सेम है और यह भी सेम है, तो सिर्फ तुलना किससे करेंगे इससे करेंगे, और इसको ऐड करना है कि माइनस करना है तो ऐड करना है, तो ऐड करना है तो रूट बयालीस का मान सबसे ज्यादा होगा, इसलिए तेरह के बाद अगर सबसे ज्यादा जुटेगा तो इसी में जुटेगा, इससे कम जुटेगा इसमें, इससे कम जुटेगा इसमें और सबसे कम जुटेगा इसमें, तो सिर्फ यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी तेरह प्लस टू रूट बयालीस, यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या यह हो जाएगी, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, ठीक है। लेकिन आपको बनाना इस टाइप से नहीं है, अभी से आपको डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, ये स्क्वायर नहीं था यहाँ पर, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप क्या बनाएंगे इस टाइप का, जब भी प्रश्न होगा तो सेवन प्लस यानी तेरह और प्लस टू रूट बयालीस, यानी दोनों को जोड़ना है तो हटा दे रहा है और टू रूट बयालीस, यहाँ क्या लिखिए ग्यारह दो तेरह प्लस क्या टू रूट बाईस, आठ पांच तेरह प्लस टू रूट चालीस, और आठ पांच दस तीन तेरह प्लस टू रूट तीस। अब बताइए तेरह में जोड़ना है सबसे बड़ी संख्या कौन सा जुटेगा, यही तो जुटेगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी तेरह प्लस टू रूट बयालीस, और यह किसका मान है रूट सेवन प्लस रूट सिक्स का मान है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या बोलेगा जो आगे में तो सबसे है यहाँ जोड़ना है तो सबसे कम किसमें जुटेगा रूट बाईस जुटेगा सब किसमें कम आके, तो सबसे छोटी संख्या यह हो जाएगी, यह हो जाएगी सबसे छोटी और यह हो जाएगी सबसे, यानी प्लस वाले में जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा होगा वही संख्या क्या होगी बड़ी होगी, क्योंकि सबका योग क्या है सेम है, योग क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, जब योग सेम हो जाए तो जिसका गुणनफल बड़ा होगा प्लस वाले में वह संख्या सबसे क्या होगी बड़ी होगी, ठीक है। अब आइए यही क्वेश्चन है, यहां भी देखिए योग सबका क्या है सेम है, जब इसको भी ए माइनस बी को होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो यह आ जाएगा सेवन प्लस क्या फोर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है, माइनस क्या आ जाएगा टू रूट कितना सात छह अट्ठाईस, यानी इसको आप लिख सकते हैं इलेवन माइनस टू रूट अट्ठाईस, इसको क्या लिख सकते हैं आप छह पांच ग्यारह माइनस टू रूट तीस, इसको क्या लिख सकते हैं आठ तीन ग्यारह माइनस टू रूट चौबीस, नौ दो ग्यारह माइनस टू रूट अठारह। अब बताइए यहां पर तो सेम है, अब घटाना है तो जिसमें सबसे ज्यादा घटेगा वही तो सबसे कम होगा, जैसे ग्यारह में से आपको दो घटाना पड़े और ग्यारह में से चार घटाना पड़े तो कौन सा सबसे छोटा होगा,
जिसमें ज्यादा घटा हुई, यानी यहाँ तो 9 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, तो सबसे छोटी संख्या तो यही हुई ना। उसी प्रकार घटाने वाले में 11 से जो सबसे, इसमें से बताइए सबसे ज्यादा मान किस तरफ, किस तरफ सबसे ज्यादा मान किसका होगा, तो रूट 30 का सबसे मान ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा 11 में से घटाना है तो सबसे छोटी तो यही होगी ना, सबसे छोटी यही होगी, तो यह किसका मान है, रूट 6 प्लस माइनस रूट 5 का मान है। कहने का मतलब यह है प्लस वाले में जो रूट में बड़ा होगा गुणनफल के बाद वह सबसे बड़ी होगी, और माइनस में जो रूट में सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा, यानी यह संख्या जो होगी वह सबसे क्या होगी, छोटी होगी। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी सबसे बड़ी, क्योंकि घटाना तो कम है इसमें, घटाना कम है इसमें, घटाना ज्यादा है, तो ज्यादा घटाएंगे तो कम आएगा, कम घटाएंगे तो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यह सबसे छोटी होगी और सबसे बड़ी। तो आप अगर एक लाइन में सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन एक बात की ध्यान रखना है कि इस दोनों का युग्मक हमें सब जगह क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हैं। तो अब आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे अगर नहीं बनाइए तो डायरेक्ट भी बनाइए, बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना होगा। माइनस वाले में जो सबसे छोटी होगी गुणनफल में वह सबसे बड़ी होगी, 28 यानी क्या हो गया रूट 28। एक काम कीजिए माइनस, इन दोनों को गुणा कीजिए माइनस लिख लीजिए, इस दोनों को गुणा कीजिएगा क्या, 6 × 5 = 30 माइनस 30, इस दोनों को गुणा कीजिए 8 × 3 = 24 माइनस 24, इस दोनों को गुणा कीजिए माइनस रूट 18। बताइए माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सब क्या होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी संख्या कौन है, यह, और इसका मतलब यही सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी सबसे छोटी, यह हो जाएगी क्या सबसे छोटी। और प्लस वाले में डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अब डायरेक्ट बना सकते हैं प्लस वाले में भी, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस प्लस वाले में योग सेम होना चाहिए, प्लस में भी और माइनस में भी योग सेम, 7 × 4 = 11 10 × 3 = 9 10 × 8 = 11 11 × 3 = 7 योग सबका सेम है, बस आपको गुणा के हिसाब से आपका आंसर मानना है। 7 × 6 = 41 दोनों प्लस है, रूट 42 आ जाएगा प्लस में, 11 × 2 = 22 रूट 22 आ जाएगा प्लस में, 8 × 5 = 40 रूट 40 आ जाएगा प्लस में, 10 × 3 = 30 रूट 30 आ जाएगा प्लस में। बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है, रूट 42 है ना, रूट 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो रूट 22 सबसे छोटी संख्या ये हो गई, ठीक है। तो आज आपने देखा टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके लिए बीएमपीटी के हिसाब से आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए